देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों मंदिरों में ड्रेस कोड का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक तमाम मंदिर समितियां मंदिर में आने के लिए ड्रेस कोड लागू कर रही हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा ने उत्तराखंड में अपने 3 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया है, यानी मंदिर में अब लोग मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश कर सकते हैं। देवभूमि के 3 मंदिरों में ड्रेस कोड, महिलाओं के लिए ड्रेस कोड, छोटे कपड़े पहनने पर नहीं मिलेगी एंट्री। ड्रेस कोड पर छिड़ी बड़ी बहस। महानिर्वाणी अखाड़ा ने उत्तराखंड में अपने 3 मंदिरों में ड्रेस कोड लागू कर दिया है। ये मंदिर है हरिद्वार का दक्ष प्रजापति मंदिर, पौड़ी का नीलकंठ महादेव मंदिर और देहरादून का टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये ड्रेस कोड महिलाओं के लिए है। इस ड्रेस कोड के मुताबिक 3 मंदिरों में महिलाओं को छोटे कपड़े पहनकर प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इन तीनों ही मंदिरों में किसी भी महिला या लड़की को छोटे कपड़ों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कटी फटी जीन्स यानी कि रिप्ड जीन्स पहनकर भी मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसी तरह से हाफ पैंट्स पहनकर भी मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी। शरीर पर 80% तक कपड़े होने जरूरी हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा ने इन मंदिरों में आने वाली महिला श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मुताबिक ही वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश करें और ऐसा ना करने पर उन्हें मंदिर के बाहर ही रोक दिया जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी ने इस संबंध में लोगों से अपील करते हुए कहा है कि देवालयों में लोगों को शालीन परिधान पहनकर ही आना चाहिए। देखने में आता है कि कई युवतियां और युवक मंदिर में अभद्र कपड़े पहनकर पहुंचते हैं, जिसमें उनके शरीर का ज्यादातर हिस्सा खुला रहता है। इससे न सिर्फ धार्मिक स्थान की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि वहां मौजूद अन्य श्रद्धालु और पुजारी भी असहज महसूस करते हैं। बहन बेटियां और या जो लड़के भी हैं, अगर वो भी इस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, युवक या युवतियां, उनके गार्जियन से, उनके माता पिता से अपील करना चाहूँगा कि वो उनको अच्छे संस्कार दें, क्योंकि धर्म स्थान मंदिर जो है वो हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अच्छे संस्कारों के लिए ही मनुष्य यहाँ आता है। वस्त्र पहन करके आते हैं, उससे समाज में भी एक विकृति पैदा होती है और जो साधु ब्राह्मण पुजारी यहाँ रहते हैं, कई बार असहज की स्थिति महसूस होती है। इसलिए मैंने कहा कम से कम हमारे शरीर का जो भाग है वो 80% 75% ढका रहना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि ये तीनों ही मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़े हुए हैं। महानिर्वाणी अखाड़े के इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही। नहीं, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, इसके लिए अपना कपड़ा पोशाक जो है वो आदर्श माना जाता है। अगर आप सही कपड़ों में रहोगे तो आपका अगले पे इम्प्रेशन भी अच्छा गिरता है, मन भी शांत रहता है और कॉन्फिडेंस पक्का हो जाता है कि मैं सही कपड़े में हूँ। कुछ लोग फैसले को सही बता रहे हैं तो कुछ फैसले से सहमत नहीं है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर, हरिद्वार के दक्ष प्रजापति मंदिर और ऋषिकेश के नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए अब ये नियम हो गया है कि अगर आप इन मंदिरों में जाएंगे तो आपको संयमित वस्त्रों में ही और मर्यादित वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। इसको लेकर अब पोस्टर बैनर्स भी मंदिर प्रांगणों में आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि कई लोग जब भी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वो ये समझते हैं कि वो पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं और कैसे भी कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंच रहे थे। इसको देखते हुए अखाड़े की तरफ से फैसला अब लिया गया है कि मंदिर में जब भी आप जाएं तो मर्यादित वस्त्रों में ही आप मंदिर में प्रवेश करें। इसको लेकर लोगों के रिएक्शन भी मिल रहे हैं, कई लोग इस फैसले को सही मान रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल।